पूरे प्रदेश नहीं देश में एक भारतीय जनता पार्टी के वसूलों की जो ये काम कर रहे हैं उसका एक लहर चल रहा है, वो हर चुनाव में दिखेगा। जैसे कई साथियों ने सवाल किया कि अगला चरण 24 है, यहाँ हर पल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। आपको बताएं, जैसे अभी एक साथी ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी में थे, कई दलों में थे, तो हमने कहा कि 2016 में हूँ भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जो मैंने निकटता देखा है, आप कल्पना करिए कि 2019 में भव्य कुंभ दिव्य कुंभ का आगाज हुआ प्रयाग में, और प्रयाग में चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र का उपाध्याय जो रहा हूँ तो हर उसमें रहता हूँ, और इतनी भव्यता कुंभ मैंने अपने जीवन में 53 साल की उम्र में नहीं देखा। और उस कुंभ में जो सबसे भव्य रूप सुंदरता सफाई का काम करता है, वो सफाई कर्मी करता है। देश का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, उन लोगों को बुलाकर सामूहिक मंच लगाकर लाखों की जनता के सामने उन सफाई कर्मियों का अपने हाथों से पैर धुलते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं इसका कितना बड़ा संदेश जाता है। या उस सफाई कर्मी जो पूरी अपनी ऊर्जा ताकत से आने वाले समय में उसका पूरा खानदान कितना गौरवान्वित हुआ होगा कि देश का एक प्रधानमंत्री प्रधान सेवक उनके चरणों को धोया सिर्फ इसलिए कि आपने भव्य और दिव्य कुंभ में एक अहम भूमिका निर्वहन किया, यह है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष कह रहा था कि इस बार हम काफी मजबूत हैं और सरकार को समस्या में डालेंगे, लेकिन विधान परिषद के जो नतीजे हैं उससे लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से मजबूत है और विपक्ष कुछ नहीं करेगी। आप लोग 24 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में बैठकें चल रही हैं, विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है, कल आजम खान का मामला, उसके पहले शिपा ले। देखिए, विपक्ष तो हमको लग रहा है एकदम शून्य है, आप देख ही रहे होंगे। हम थोड़ा सा पहले कोरोना काल में चलना चाहते हैं। कोरोना काल में पूरा प्रदेश, देश, दुनिया भयाक्रम थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही अपने अपने क्षेत्र में लगा हुआ था। हर व्यक्ति को किसको वेंटिलेटर जरूरत है, कोरोना में किसी क्या मदद करनी है, सब लगा हुआ था, लेकिन विपक्ष एकदम सोया हुआ था, शून्य में था, विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा था। जो विपक्ष के लोग आज नेतृत्व 4 महीना से चुनाव निकल के आए हैं, उनके गिरवान में उनकी आत्मा से पूछिए कि उन्होंने कोरोना काल में क्या किया, तो विपक्ष तो शून्य है। और जो आप अभी विधान परिषद चुनाव की बात कर रहे हैं, एक एक BDC चुना हुआ व्यक्ति होता है, एक एक प्रधान चुना हुआ व्यक्ति होता है, और वो चुनाव गलत नहीं करता है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो यहाँ पर लगातार जो बधाइयों का सिलसिला है वो चल रहा है। आप बिल्कुल पीछे तस्वीरों को देखिए, इसी जगह पर रामचंद्र प्रधान को लोग बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि वो विधान परिषद का चुनाव लखनऊ उन्नाव सीट से जीते हुए हैं, और लगातार जो कार्यकर्ता हैं, लगातार जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में रामचंद्र प्रधान के साथ मिलकर के मेहनत करी थी, वो सब अब बारी बारी अपने नेता से मिल रहे हैं क्योंकि उनका जो नेता है उसने जीत दर्ज कर ली है। फिलहाल विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की यह जीत साफ तौर पर यह बता रही है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए अभी भी राह आसान नहीं है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं, प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।